जय माता दी बंधु, कैसे हैं आप? हमारे इस खास वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको आपकी राशि के अनुसार आने वाले नए साल में करियर के लिहाज से होने वाले सभी परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। साल 2021 की शुरुआत में मंद ग्रह शनि और बृहस्पति की युति मकर राशि में होगी, जहाँ जनवरी के मध्य में सूर्य देव भी गोचर करेंगे। राहु महाराज वृषभ तो केतु जी वृश्चिक राशि में स्थित होंगे और मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों के साथ साल के दौरान विभिन्न ग्रह अपना गोचर करेंगे और आपके करियर को प्रभावित करेंगे। जैसा कि साल 2020 के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कैसे कोरोना महामारी ने हमारे जीवन में आकर उथल पुथल मचा दी थी। इस भीषण महामारी के चलते ना जाने कितनों को अपना काम धंधा बंद करना पड़ा था और ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी थी। तो वहीं बड़ी कंपनियों ने इस दौरान छटनी, अपने कर्मचारियों की वेतन में कटौती या फिर नई ज्वाइनिंग को रोककर इस बीमारी का सामना किया था। जहां छोटे कारोबारियों को इस महामारी के दौरान पूर्ण रूप से ही अपना काम धंधा बंद करने की नौबत आ गई थी, वहीं बड़े कर्मचारियों को उनके व्यापार में बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि हम सभी ने इस भयानक समय का डटकर सामना किया और पुनः अपने पैरों पर खड़े होने का दम दिखाया है। अब नया साल हमारे सामने खड़ा है, जिसका हमें पूरे दिल से स्वागत करना है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि करियर के लिहाज से यह नया साल हमारे लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। हमारे इस वार्षिक करियर राशिफल के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि आपकी राशि के अनुसार साल के कौन से महीने आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं, कहाँ थोड़ी उठापटक का सामना आपको करना पड़ सकता है और किन महीनों में करियर के लिहाज से आप बुलंदियों के शिखर पर रहने वाले हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक और दिखाई दे रही होगी वीडियो की, उस पर ज़रूर क्लिक करें और हमारे उन वीडियोस को ज़रूर देखें। सिंह राशि के लिए सिंह करियर राशिफल 2021 बहुत अच्छा होने के संकेत कर रहा है। साल का पहला महीना यानी जनवरी में सूर्य करियर के स्वामी बुध के साथ धनु राशि में रहेंगे। इसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता और व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही बृहस्पति का शनि के साथ त्रिकोण में जाकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना व्यापार के लिए बेहद अच्छा समय रहने वाला होगा। सिंह करियर राशिफल 2021 के मुताबिक पहले तिमाही के दूसरे चरण यानी फरवरी में चार ग्रहों का एक चतुर्थी ग्रही राजयोग बनाना नौकरी पेशा और व्यवसाय लोगों के लिए अति उत्तम रहेगा। व्यापार का विस्तार होने की संभावना है और पैसे के नए स्रोत खुल सकते हैं। वहीं मार्च का महीना करियर के मामले में बेहतरीन रहेगा। सिंह राशि के जातक ऊर्जा से भरे रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति, मान सम्मान, यश और इंक्रीमेंट मिलने की संभावनाएं हैं। परंतु यह समय व्यापारी वर्ग के लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में राहु के साथ मंगल का बैठना अंगारक योग बना रहा है, जिसकी वजह से व्यापार को लेकर मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। साल 2021 के दूसरे तिमाही के पहले चरण यानी अप्रैल का महीना नौकरी पेशा और बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध का कुंभ राशि में बैठना, सूर्य का शुक्र के साथ सुख स्थान में बैठना बिजनेस वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने के संकेत दे रहा है। इस महीने आप कामकाज के संबंध में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। वहीं मई के महीने में सूर्य का गोचर करके मेष में आना व करियर को देखना नौकरी पेशा वालों के लिए अनुकूल है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए उतार चढ़ाव के संकेत दे रहा है। आपको व्यापार में लाभ कम होगा और घाटा ज्यादा होने की उम्मीदें हैं। मध्य महीने यानी जून में बृहस्पति का वक्री होना भी सकारात्मक परिणाम देने वाला है। यह समय व्यापार और कार्य क्षेत्र के लिए अति उत्तम रहने वाला है। वहीं जुलाई का महीना व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन नौकरी पेशा वालों के लिए शुभ नहीं है।
आपको कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बृहस्पति का 12वें घर में बैठना कार्यों में सफलता और लांघन जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है। सिंह कन्या राशिफल 2021 के मुताबिक अगस्त का महीना बिजनेस वालों के लिए अनुकूल रहने वाला है। साथ ही सूर्य का कर्क राशि में बुध के साथ बैठना और करियर को देखना नौकरी पेशा वालों को कार्य क्षेत्र में नए आयाम, कार्य में सफलता, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बना रहा है। आपको ऑफिस में सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा। इस अवधि में आप अपने उद्यम का विस्तार कर सकते हैं। सिंह राशि के व्यापारी वर्ग के लिए सितंबर का महीना अनुकूल रहने वाला है। इस वक्त सूर्य का गोचर करके पराक्रम में बैठना आपके पराक्रम को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से व्यापार में विस्तार और कार्य क्षेत्र में ग्रोथ और इंक्रीमेंट की संभावनाएं हैं। साल 2021 का अक्टूबर माह कार्य क्षेत्र में मुश्किलें पैदा कर सकता है और व्यापार में भी उतार चढ़ाव बने रहने की संभावनाएं हैं। वहीं चौथे तिमाही के दूसरे चरण यानी नवंबर का महीना सिंह राशि के व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला होगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि में विराजमान होगा और करियर के स्वामी मंगल के साथ योग बनाएगा। वहीं वर्ष 2021 के अंतिम महीने दिसंबर में सूर्य का लग्न का स्वामी होकर के सुख के घर में बुध के साथ आदित्य योग बनाएगा और गोचर करके वृश्चिक राशि में आना कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा वक्त उतार चढ़ाव वाला बना रहेगा। बंधुओं, ये था वीडियो सिंह राशि वालों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबाएं और ऑल जरूर से सिलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।